सामने हो, सामने एक फोटो ले लीजिए भैया, थोड़ा फाइल खड़ा हो जाइए। संदीप खड़ा हुआ, थोड़ा लंबा हो जाए। संदीप इधर से, इधर से आ जाओ, और थोड़ा बच्चे पीछे हो। एक महोदय हमारे मड़ियाहूं ब्लॉक मुख्यालय मड़ियाहूं से, इस महान बीडीसी सदस्य का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने रेखा यादव पर विश्वास करते हुए, हम जैसे कार्यकर्ता, अदना सा कार्यकर्ता का विश्वास करते हुए जीत हासिल किया है। इसके लिए मैं कोर्ट से प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं। आप सब लोगों की जीत है, ये समस्त जनता की जीत है, ये हमारी जीत नहीं, आप लोगों की जीत है भाई। पप्पू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारेबाजी न करें, नारेबाजी न करें पप्पू भाई, नारेबाजी न करें भैया। नारा नहीं, नारा नहीं भैया, कार मचा के तेरे मैं जीत गई बस, बहुत है मेरी। जनता को आप क्या बोलना चाहते? बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। चलिए आइए, आइए, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलो साथ में चलो, शॉपिंग का था, शॉपिंग का था। अरे भैया भैया भैया, आइए पैसा मांगता सर, सब आइए इधर, सही इधर, सही कैमरा बैग, बूम बैग में लगता है। इस वक्त रेखा यादव के घर काफ़ी पुलिस बल तैनात है और घर पर जा रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन का काफ़ी सहयोग था, चुनाव शांतिपूर्ण चले गए। सर आज आपकी बहू जो है भयो, यहाँ पर आज ब्लॉक प्रमुख के चुनाव पद की विजेता बनी है, उन्हें क्या आप आशीर्वाद देना चाहते हैं? हम यह चाहते हैं कि मड़ियाहूं ब्लॉक से जितने भी डीसी सदस्य, इनमें आस्था व्यक्त की है, इन पर भरोसा किया है, उस पर खरा उतरें और सबको साथ लेकर चलें और मड़ियाहूं का विकास करें। पिताजी क्या नाम है आपका? राम दुलारे यादव। पिताजी आज आपकी बहू ने पूरे क्षेत्र में आपका नाम रोशन किया है, आज यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख पद पर विजेता हुई हैं, आप क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं? भगवान जुग जुग जिए, विकास करें, विकास करें, गांव को विकास करें, गांव को विकास करें। अच्छा आप चाहते हैं कि आपकी बहू पूरे गाँव का विकास करें, पूरे क्षेत्र का, पूरे क्षेत्र का विकास करें? मड़ियाहूं। अच्छा आज आपकी बहू विजेता हूँ, आप कैसा अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ा हमें लगा तो क्या खुशी है प्रभु, खुशहाली आ गई, बहुत खुश हम बयान ना कर भैया।
इधर मोबाइल पर दिखाई है भाभी। अच्छा अच्छा कितनी चल रही है भैया, कब तक है बनारस? तो मैं आता हूँ भैया, मैं आता हूँ जो है आपका आशीर्वाद लेने के लिए। आपने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया है भैया, लव यू मेरे भैया, आपने मेरा दिल जीत लिया है। थैंक यू भैया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया प्रणाम, भैया प्रणाम प्रणाम। चलिए आइए भैया। इधर मोबाइल पर दिखाइए और ठीक है भाभी। अच्छा अच्छा कितनी चल रही है भैया, कब तक है बनारस? तो मैं आता हूँ भैया, मैं आता हूँ जो है आपका आशीर्वाद लेने के लिए। आपने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया है भैया, लव यू मेरे भैया, आपने मेरा दिल जीत लिया है। थैंक यू भैया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया प्रणाम, भैया प्रणाम प्रणाम। चलिए आइए भैया। भैया भैया आपको जीतने के बाद कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सब पीडीसी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत भारी मतों से मुझे जीत गए। कुल कितने मत से जीती हैं आप? मैं जीत गई बस। बहुत और जनता को आप क्या बोलना चाहती हैं? बहुत बहुत धन्यवाद और बुद्धिसी उम्मीदवारों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलो आप सब लोग की जीत है, समस्त जनता की जीत है। ये हमारी जीत नहीं, आप लोगों की जीत है भाई। पप्पू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सामने सामने भैया, एक फोटो ले लीजिए भैया, थोड़ा फाइल खड़ा हो जाइए। संदीप खड़ा हुआ, थोड़ा लंबा हो जाए। संदीप इधर से, इधर से आ जाओ और थोड़ा बच्चे पीछे हो। साइड या साइड पीडीसी महोदय, हमारे मड़ियाहों ब्लॉक मुख्यालय मड़ियाहों से इस महान पीडीसी सदस्य का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने रेखा यादव पर विश्वास करते हुए, हम जैसे कार्यकर्ता अदना सा कार्यकर्ता का विश्वास करते हुए जीत हासिल किया है। इसके लिए मैं कोर्ट से प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं। ले गए खुदे हम कहां साहब, ले गए भैया।
भाई साहब बयान दे दीजिए अपना। जी सर, क्या नाम है आपका? प्रेम राणा यादव, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 48। यहाँ से ब्लॉक प्रमुख पद की प्रत्याशी आपके परिवार से कोई था? हाँ जी, क्या मेरी भैया हूँ रेखा यादव। उनके पति का क्या नाम है? कमलेश यादव और पप्पू। तो उन्होंने चुनाव जीत लिया है? 18 कितने मतों से चुनाव जीता? 18 मतों से चुनाव जीता है। तो अभी वो यहाँ उपस्थित है या कहीं जिला? नहीं, जिला मुख्यालय पर एरो साहब लेके गए प्रमाण पत्र देने हेतु। और आप उनके जेडीसी हैं? जी हाँ। आप इस समय वर्तमान जिला पंचायत? जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 48। बड़े हो आप इसके लिए हमारे चैनल माध्यम से क्या करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल माध्यम से मणियाहों की सम्मानित जनता, मणियाहों की सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य, मणियाहों की महान जनता को कोर्ट से प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और उनसे मैं स्वतः कहता हूँ कि मौका उन्होंने जिस आशा और विश्वास से दिया है, मैं उस पर खरा उतरने का कोशिश करूंगा। हेलो, हम जब तक न जा ब्लॉक मुख्यालय से जब तक आप नहीं आएंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। हरिओम 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 ये लीजिए हरिओम अच्छा फोटो ले पहले से जाना। सर आज आपकी बहू जो है यहाँ पर आज ब्लॉक प्रमुख के चुनाव पद की विजेता बनी है, उन्हें क्या आप आशीर्वाद देना चाहते हैं? हम यह चाहते हैं कि मणियाहों ब्लॉक से जितने भी डी सी सदस्य इनमें आस्था व्यक्त की है, इन पर भरोसा किया है, उस पर खरा उतरें और सबको साथ लेकर चलें और मणियाहों का विकास करें। पिताजी क्या नाम है आपका? राम दुलारे यादव। पिताजी आज आपकी बहू ने पूरे क्षेत्र में आपका नाम रोशन किया है, आज यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख पद पर विजेता हुई हैं, आप क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं? भगवान जुग जुग जिए, विकास करें, विकास करें, गांव को विकास करें, गांव को विकास करें। अच्छा, आप चाहते हैं कि आपकी बहू पूरे गाँव का विकास करें? पूरे क्षेत्र का, पूरे क्षेत्र का विकास करें। मरियाम क्षेत्र। अच्छा, आज आपकी बहू विजेता हूँ, आप कैसा अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ा हमें लगा तो क्या खुशी है, नहीं है प्रभु, इस बार खुशहाली आ गई, बहुत खुश हम बयान ना कर रहे। माता जी आपका, अच्छा आज आपकी बहू ने आपका तो नाम रोशन कर दिया, आप अपनी बहू को क्या आशीर्वाद देना चाहती हैं? बहुत आगे बढ़े, एमपी एमएलए सांसद बने, तो झांकी है। बताइए माता जी, आपके जवानी बताइए, क्षेत्र का विकास करते हुए आगे बढ़े। बहुत अच्छा जो है, आगे बढ़े। अच्छा मैम, आज आप जो है बहुत ही एक ऐतिहासिक जीत दर्ज किया है, तो आप अपने क्षेत्र की जनता और अपने क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत सदस्य को इस जीत का श्रेय देना चाहेंगी? किस हिसाब से देना चाहेंगी, आप अपने शब्द में बयां करें। भारी से मतों से जिताए और मैं उनके लिए विकास करूंगी, गांव गाँव में जाकर घर घर हर जगह। अच्छा मैम, आप जीतने से पहले आपके मन में एक विचार तो आया ही होगा कि हम जीतने के बाद अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या विकास के कार्य करेंगे? हम पहले तो हम सड़कें बनवाएंगे अपने क्षेत्र के लिए, घर घर, और क्योंकि हम घर घर जाके देखें सड़कें नहीं है, द्वार द्वार गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, आवास नहीं है, बहुत जगह शौचालय नहीं है, नले नहीं है, ये सब कामें हमें करना है। अच्छा मैम, जैसे कहने को लोग बहुत कुछ कहते हैं कि हम जीत जाएंगे तो ये करेंगे, ये वो करेंगे, जो अपने क्षेत्र की दलित जनता है, जो गरीब जनता है, उनको रोड से क्या मतलब है? उनको रोड से कोई मतलब नहीं, मेन तो उनको आवास, छत्र। हाँ, आवास नहीं, आवास छत जरूरी है, आवास देना जरूरी है, आवास देंगे, नल देंगे, हाँ सड़कें भी देंगे, हर जगह सड़कें भी जरूरी है, नल भी देंगे। अच्छा मतलब आप जो भी
गरीबों के लिए जो भी सरकारी योजनाएं आएंगी उसका लाभ जो है लोगों तक पहुंचाएंगी। धन्यवाद। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।